छत्तीसगढ़ कोरिया में पूरी सिद्ध बाबा मंदिर प्रांगण में श्रीमद् भागवत गीता का आयोजन किया गया। पूरी सिद्ध बाबा पहाड़ी मंदिर में श्रीमद् भागवत गीता का पहली बार 7 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया, जिसमें दूर दूर से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। लगभग हजारों से ज्यादा की तादाद में लोग उपस्थित रहे। पौड़ी क्षेत्र में भक्ति भाव का माहौल देखा गया। कलश यात्रा जो कि सिद्ध बाबा पहाड़ी मंदिर से प्रारंभ करके नीलम सरोवर पार्क के तालाब में जल उठाकर सिद्ध बाबा मंदिर पौड़ी में 501 कलश की स्थापना की गई, वह साथ ही साथ श्रीमद् भागवत गीता का उद्घाटन किया गया। देखें पूरी खबर IBN 24 न्यूज पर देवेंद्र सिंह के साथ। स्वामी विनोदानंद जी महाराज तीर्थराज प्रयाग पावन धरती से मैं आया हूँ और ये सिद्ध बाबा स्थान पे आज से संगीत में कथा प्रारंभ होगी क्योंकि कार्यक्रम लाइव हो रहा है और ये आप देख रहे हैं शोभा यात्रा प्रारंभ हो। इसमें असंख्य जो है यानी माताएं बहनें बेटियां सब कलश यात्रा में शामिल होती है और कलश यात्रा में जो शामिल होता है वो परमात्मा की परमकृपा होती है और सौभाग्य का हृदय होता है, जीवन सुंदर होता है। इसलिए सभी लोगों को ये धर्मार्थ कार्यों में अपने हाथ को बटाना चाहिए और इसमें प्रस्तुति देनी चाहिए, प्रस्तुत होना चाहिए, अपने तन मन धन का सहयोग प्रदान करना चाहिए।